कि आज हम रामाराव वाघ जी जैसे एक पढ़े लिखे समझदार लीडर को आम आदमी पार्टी में आज हम इनका स्वागत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे सांतांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि पूरे गोवा में शायद ही कोई ऐसे लोग हो जो रामाराव वाघ जी और इनके भाई विष्णु सूर्या वाघ जी को नहीं जानते, शायद ही कोई ऐसा हो। और खासकर कि मुझे लगता है कि सांतांद्रे कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज तो ये दोनों भाई, इनका परिवार उठाता ही रहा है, पर ये दोनों भाई पूरे गोवा के भंडारी समाज की आवाज बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे। रामाराव जी 2012 में हम देखते थे जब गोवा का चुनाव था, जब भाजपा भंडारी समाज के वोट मांगने गई, तो आपके भाई ही थे जिन्होंने पूरे भंडारी समाज को भाजपा को वोट डालने के लिए कहा, और उन विष्णु सूर्या वाघ जी के भरोसे पे गोवा का भंडारी समाज, गोवा का बहुजन समाज भाजपा के साथ आया। लेकिन आज पूरे गोवा का बहुजन समाज आज ये सवाल पूछ रहा है कि इतने सालों में भाजपा की सरकार ने हमारे लिए क्या किया। आज पूरा भंडारी समाज ये सवाल पूछ रहा है कि भाजपा की सरकार ने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किया। आज पूरे गोवा का बहुजन समाज ये पूछ रहा है कि हमारे समाज के पढ़े लिखे युवाओं के की नौकरियों के लिए भाजपा की सरकार ने क्या किया, और उसका जवाब ये है कि 10 साल से भाजपा की सरकार है लेकिन भंडारी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए भाजपा ने कुछ नहीं किया। आज ये सच्चाई है और यही कारण है कि रामाराव वाघ जी जैसे लोग भी भाजपा से परेशान होके भाजपा की जो राजनीति है, जो जनता के लिए काम नहीं करती है, जिन्होंने उनको वोट दिया है उसके लिए काम नहीं करती है, उस राजनीति से परेशान होके आज रामाराव वाघ जी जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज आम आदमी पार्टी में आया है। रामाराव वाघ जी खुद तो गोवा के यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, यहां के थिएटर आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन एक शिक्षित गोवा के, एक पढ़े लिखे गोवा के प्रतिनिधि हैं जो चाहते हैं कि गोवा के हर बच्चे को, गोवा के हर युवा को अच्छी एजुकेशन मिले। ये ऐसे पढ़े लिखे गोवा के प्रतिनिधि हैं जो चाहते हैं कि हमारे गोवा के जो लड़के लड़कियां पढ़ते हैं उनको गोवा में अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उन्हें गोवा छोड़ के ना जाना पड़े नौकरी की तलाश में। लेकिन आज जो गोवा के नेता हैं उन्हें गोवा के युवाओं की चिंता नहीं है, उन्हें गोवा के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ही चिंता है कि अपनी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे भरे जाएं, अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे भरे जाएं, बस उन्हें एक ही चिंता है। वरना आप देखिए इतने सालों से गोवा के लोग इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं। क्यों वोट डालने जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जिसको हम वोट देंगे वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा स्कूल देगा। हम वोट डालने जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारे परिवार से कोई बीमार होता है तो अच्छे अस्पताल मिलेंगे जहां पे हम उसका इलाज करा सके। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। हम इसलिए वोट देते हैं कि कल को हम कोई परेशानी में हो, जैसे आज कोविड की वजह से इतने लोगों की नौकरी गई है, आज माइनिंग बंद होने की वजह से कितने लोगों का काम गया है। हम इसलिए वोट डालने जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि कल को जब हम परेशानी में होंगे तो सरकार हमारी मदद करेगी। लेकिन आज तक ना हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल मिले, ना हमें अच्छे अस्पताल मिले, ना हमारे लड़के लड़कियों को नौकरी मिली, ना हमारी परेशानी में हमारी सरकार ने कभी हमारा साथ दिया। ये गोवा की सच्चाई है। गोवा के नेताओं को सिर्फ एक काम है,
जो ज्यादा पैसा दे दे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये है गोवा की सच्चाई। आप अपने ही सांता आंद्रे के एमएलए को देख लीजिए, यहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, उसको फ्रांसिस्को सिल्वेरा को एमएलए बनाया। क्यों? क्योंकि हमें लगा था हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका वोट लेने के बाद जिस पार्टी को आपने वोट दिया था वहां से छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, क्योंकि शायद उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया था। लेकिन आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। सांता आंद्रे के लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अगर आप गोवा के नेताओं को देखने जाइए तो साफ नजर आता है कि जब हमारी वोट मांगने आते हैं, जब एमएलए नहीं होते तो छोटी छोटी गाड़ियों में आते हैं, 5 साल जब एमएलए बन जाते हैं तो देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? किस किस को लगता है सही कह रही हूं, जरा हाथ खड़े करके दिखा दीजिए। जब हमारे वोट मांगने आते हैं तो छोटा सा उनका घर होता है, 5 साल एमएलए रहने के बाद महल की तरह मकान हो जाता है उनका। बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? ऐसा ही होता है ना। सारे गोवा के एमएलए का यही हाल है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी के पास पैसा नहीं है, आम आदमी परेशान है, उसकी नौकरी जा रही है, कोविड के बाद वो परेशान है, लेकिन हमारे एमएलए के खाते में पैसे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये है गोवा की सच्चाई। आज गोवा के लोग बदलाव चाहते हैं, आज गोवा के लोग परिवर्तन चाहते हैं, आज गोवा के लोग ऐसी पार्टी चाहते हैं जो आम आदमी के लिए काम करे, आपके और हमारे लिए काम करे, सिर्फ अपने एमएलए की जेब भरने के लिए ना काम करे। और आज गोवा में अगर एक पार्टी है जो गोवा के लोगों के बारे में सोच रही है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। बाकी सारी पार्टियों को आप देखिए तो उनमें बस एक ही होड़ लगी हुई है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी के साथ अलायंस करेगी, कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जाएगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी चिंता है, अपनी जेब भरने की चिंता है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के बारे में सोच रही है। अरविंद केजरीवाल जब गोवा आते हैं तो गोवा के लोगों के लिए, गोवा के विकास के लिए अनाउंसमेंट करके जाते हैं। केजरीवाल ने वादा किया है कि गोवा के लोगों को 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि गोवा के लोगों को अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे अस्पताल मिलेंगे, वरना आज अगर कोई भी बीमार हो जाए तो सिर्फ एक जीएमसी अस्पताल है, उसके अलावा गोवा में कोई अस्पताल नहीं है जहां पे एक आम आदमी अपना इलाज करा सके। और जीएमसी अस्पताल का भी क्या हाल है हम रोज पेपर में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल का वादा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को जरूर नौकरी मिलेगी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो हर महीने 3,000 रुपए का बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल का